अगस्त को आपका एक बृहद कार्यक्रम स्थानीय प्रहार स्टेडियम में, क्या तैयारी है और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले चंद्रपुर विधानसभा के समस्त पत्रकार बंधुओं और चंद्रपुर विधानसभा के तमाम चंद्रपुर विधानसभा वासियों के मेरे जोहार। आज जैसा मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है 25 अगस्त 2024 को चंद्रपुर शहर के बुढ़ाट स्टेडियम मरड़ स्कूल के सामने जो मैदान है उस पर हमारा संस्था पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन का विशाल जनसभा सम्मेलन समारोह के एक चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में अभी तक हमारे संस्था द्वारा विगत 2017 से लेके अभी तक हम लोगों ने मानव सेवा के लिए और समाज सेवा के क्षेत्र में कौन कौन हम लोग अभी तक कार्य कर चुके हैं, लोगों को हम लोगों ने परोक्ष और अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को हमारा संस्था का कितना सेवा मिला है, इन्हीं सब मुद्दों पे, इन्हीं सब बिंदुओं पे एक परिचर्चा हम रखे हुए हैं। और चंद्रपुर विधानसभा के चंद्रपुर प्रखंड में 23 पंचायत है, देहात में, शहर में 23 वार्ड है और बनगांव प्रखंड में 11 पंचायत है। तो मैं सभी, मुझे लगता है 23, 23, 46 और 11, 47 पंचायत के लोगों को हम लोगों ने विशेष रूप से अपने जितने भी जो प्रचार के जो माध्यम है, वो चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे पेपर का हो, या प्रिंट मीडिया है, या सोशल मीडिया, सभी माध्यम से हम लोगों ने सभी लोगों को सूचना दे दिया, सभी लोगों को संदेश दिया है। और मुझे जैसे सूचना मिल रही है लोगों से, जो मेरा संपर्क है, जो विभिन्न आज मेरे जो कार्यक्रम चल रहा है, चूंकि वो बृहद कार्यक्रम है और वहाँ पे मैंने 10,000 लोगों को बुलाने के लिए संदेश मैं भेजा हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग 10,000 से ज्यादा आएंगे। अभी मुझे जो सूचना मिल रही है कि पूरे पंचायत में जो मैंने सीमा दिया वहां से आने के लिए, जो भी हो, चाहे दूसरे का वाहन हो, चाहे चक्कर का वाहन हो, लोगों को वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो मुझे ये उम्मीद है, मुझे संदेशा है कि जो मेरे टारगेट है 10,000 लोगों से, उससे ज्यादा लोग आएंगे। ये तो जैसे कि अभी चुनाव का इस साल समय है, तो आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिये, मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से मेरा ये स्पष्ट, आप लोगों को मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ कि हमारा संस्था विशेष रूप से एक सामाजिक संस्था है और लोगों का सेवा करना और मानव सेवा करना यही हमारा धर्म है। और जैसा मैंने कंप्लेंट में भी लिखा हुआ कि मानव सेवा, समाज सेवा से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो आज 2017 के बाद से आप लोगों को जानकारी है कि हमारा पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन ठंड के सीजन में जरूरतमंद लोगों को, 60 साल से ऊपर जो बूढ़ा बूढ़ी हैं, जो दिव्यांग और विकलांग हैं और जो विधवा विधुर हैं, इन लोगों को हम लोगों ने पूरे पंचायत लेवल पर, पूरे चंद्रपुर विधानसभा में पंचायत लेवल पे एक लिस्ट बना के हम लोगों ने ठंड के सीजन में जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने का हम लोग एक मुहिम हम लोग छेड़े थे। इस तरह का विगत जो है 2017 से लेकर हम लोग 10,000 से ऊपर लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हम लोगों ने कंबल बांटा। इसी तरह पर्व त्यौहार आता तो यही लोगों को, यही वर्ग को हम लोगों ने पर्व में साड़ी और धोती देकर उन लोगों को सम्मानित करने काम किया। इसी तरह हमारे हो समाज में, चूंकि हमारा पर्व त्यौहार होता है, हमारा संस्कृति है, मैंने अपने संस्था के माध्यम से 250 से ऊपर लोग, गाँव को मैंने मानदल देकर उनको हमारा पर्व त्यौहार संस्कृति अच्छा से बचे, ये सब कार्यक्रम लोग जारी रखे थे। इसके अलावा मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विगत 10 सालों से, चूंकि मैं रांची में पढ़ा हूँ, रांची में रहा हूँ, और विगत 10 सालों से मैंने नहीं भी तो 500 से ऊपर लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा के उनको एक जीवन देने का हमने प्रयास किए। और चूंकि हमारा पीपुल्स वेलफेयर एक संस्था है और ये विगत 2 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप करके आया है और आज ब्लड डोनेशन कैंप का ही ये परिणाम है कि आज मुझे हर एक 2 दिन पे ब्लड के लिए लोग मुझे कहते हैं कि हमको 1 मिनट ब्लड दिला दीजिए। और ऐसा करके हम लोगों ने कई लोगों को जीवन बचाने का प्रयास किया और अभी भी हमारी ये सेवा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसी तरह आप लोगों का एक सवाल है कि आगे मैं भविष्य में क्या निर्णय लूंगा, ये मैं जनता से पूछूंगा। 25 तारीख का जो प्रोग्राम है वो मैं जनता को बुलाऊं और जनता डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है।
मैं उन्हीं के निर्णय के हिसाब से मैं आगे कदम उठाऊंगा। एक सवाल भी, एक खबर आपके द्वारा या कई न्यूज में आया था कि जनता बहुत पूछ रही हमको कि या उनका डिमांड है कि आप किसी राजनीतिक दल में शामिल होके कार्य करें, ऐसा भी चर्चा थी। किसी राजनीतिक दल से आपका संपर्क है या जुड़ने का प्रयास है? ये जनता के निर्णय है, जनता का डिसाइड है। देखिए, अभी तो मैं कोई पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी। तो ये जनता मुझे, और सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि देखिए मैं कोई पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, ठीक है, और कोई पार्टी का नीति सिद्धांत गलत नहीं होता, तो चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे आरसू हो, ठीक है, सभी पार्टियों का अपना मैनिफेस्टो होता है, सभी पार्टियों का नीति था, सब बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं चूंकि एक मैं चिरंजीवी हूँ, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ, और यदि मुझे कोई पार्टी से टिकट मिलती है, अभी इस तरह कोई बातचीत नहीं हुई, आगे इस तरह की होगी, तो मैं उस पर जनता के हिसाब से, जो जनता के मैं उसके हिसाब से निर्णय, मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत पर निर्णय। अभी जो मेन 25 अगस्त का कार्यक्रम है उसमें क्या माने मेन उद्देश्य क्या है 25 का जो कार्यक्रम? मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि अब जिस तरह का मुझे लोगों का जो रुझान मिल रहा है, तो हो सके 25 के बाद शायद मैं अपना संस्था से मैं इस्तीफा दे दूँ, और हो सके आगे शायद मैं उसको जनता का निर्णय के हिसाब से, हो सके शायद मैं उसको एक पॉलिटिकल एक उसको फॉर्म दे दूँ। बट ये अभी डिसाइड नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये 25 के बाद की लड़ूंगा। आपका संभावना बनी हुई कि भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, जनता का ये डिमांड है कि आप लोग, आप हमारे बीच में इतना सेवा कर रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, जनता का प्रेशर मेरे ऊपर है, तो जनता जो निर्णय लेगी मैं उसी हिसाब से चलूंगा। मैंने आपका ये वेलफेयर एसोसिएशन जो संस्था है, सामाजिक संस्था, आपका इस्तीफा देने के बाद भी वो अपना कार्य करते रहे, बन जाएगा, ठीक है। हमारे जो भी आज हम बता दे रखो कि हम लोगों ने शुरू में 10 या 12 लोगों से इसको शुरू किया था, रजिस्टर्ड हुआ था 2017 में, और आज 10 लोगों से सोचिए पूरे सरदारपुर विधानसभा में आज पीपुल सेलेक्टर एसोसिएशन कोई नाम के लिए मोहताज नहीं है, बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े बूढ़े से लेकर पूरे क्षेत्र के लोग जो है पीपुल सेलेक्टर एसोसिएशन बोलने से, और डॉक्टर बी एस सिंह के कामों से लोग उनको याद करते हैं। और मीडिया बंदों से कुछ सवाल इस बार आप लोग भी पूछ कर सकते हैं। मैंने यह तय है कि 2024 में आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तय ये जनता का मांग है, जनता का मांग है, लेकिन कौन पार्टी से लड़ेंगे क्या होगा इस पर अभी, और ये निर्णय अभी नहीं। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, चूंकि जनता का डिमांड है, इसलिए आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2024 का, जब भी हो, वो चाहे अक्टूबर नंबर हो या अभी जितना जल्दी हो, मैं एक आपको संदेश आपका मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सूचना दे रहा हूँ कि मैं विधानसभा चंद्रपुर विधानसभा का चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ। ये मेरा स्पष्ट, ये मेरा भी निर्णय है, और ये जनता के भी सुझाव है, और मेरा अपना एनजीओ का भी, सभी लोगों का मेरा ये सुझाव कि आप इतना जब समाज सेवा करें, लेकिन और इसी में बता दे रहा हूँ, आज राजनीति में चंद्रपुर विधानसभा में मैं यही कहूँगा कि आप पहले समाज सेवा करिए, लोगों का सेवा कीजिए, अब इसके बाद लोग आपके ऊपर डिसाइड करेंगे कि आपको चुनाव लड़ना नहीं है। मैंने मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो दायित्व था, लोगों को सेवा करने का जो मकसद था, जो समाज को जो सेवा करने का या मैसेज देने का, मैंने लोगों को मैसेज दे दिया, और अब लोग हमको ये एक उनका जो मांग है कि आप चुनाव लड़े, तो मैं उन्हीं के मांग के हिसाब से मैं 2024 में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। चक्र अपने निर्दलीय हो या कोई पार्टी से हो, आप चक्रधरपुर विधानसभा से ही लेकिन चुनाव लड़े, चक्रधरपुर क्योंकि मेरा ये कर्मस्थल रहा। आज मैं 2017 से लेकर मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं दिन को दिन नहीं माने, रात को रात नहीं माना, 3 सालों में मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। अब 365 दिन 21 साल तक जोड़ दीजिए, मुझे लगता है 1000 दिन के आसपास होगा, मैं 1000 दिन में 800 दिन मैं प्रतिदिन जो है प्रतिदिन 4 से 5 प्रोग्राम करता हूँ। कोई भी जंगल पे भीड़ क्षेत्र हो या आपका मैदानी क्षेत्र हो, जो भी सुख दुख है लोगों का, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सुख का सबसे ज्यादा मैं साथी हूँ, दुख का सबसे ज्यादा मैं साथी हूँ, और मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जनता को जो भी मेरा जरूरत पड़ा है, मैं हमेशा उनके, चाहे आपका हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या आपका अन्य क्षेत्र हो, आज हम लोग हमारा सस्ता वेटनरी कैंप लगाता है और उसमें हम लोग जीव जंतु को बचाने का प्रयास करते हैं, हमारा सस्ता पेड़ पौधा लगाता है उसमें हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं। हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम चूंकि संसार में रहते हैं, हमारे संसार में पेड़ पौधा भी है और जीव जंतु भी है, तो सभी लोगों को हम लोग सेवा देने का, उनको बचाने का हमारा ये काम चलते रहा और आगे भी चलते रहे। निर्दलीय लड़ने का भी कोई ऑप्शन है क्या? ये जनता डिसाइड करेगा, मैं इसमें नहीं। चलिए सभी बंधुओं को धन्यवाद।